ताई सिंध मेरी बहन है कि नहीं? ताई तीन जगह भाषण में बोले, 15 साल से, कब से? 15 साल से मतदार संघ को मैं बच्चे की तरह समाना हूँ। 15 साल से इस मतदार संघ को बच्चे की तरह संभाल रही हूँ मैं। अब इस मतदार संघ को उस भाई, उस बहन का भाई मामू बोल के वो बच्चा ताबे में लेने में आया हूँ। अब वो बच्चा ताबे में लेकर उसका नाम इमाम पार्टी का नाम रखकर फारूक भाई के ताबे देने वाला हूँ मैं। क्योंकि आप देखो, आप ये रोड के बारे में कितने तकरार हुई मालूम है ना सबको, आधा रोड उसका, आधा इसका, आधा उसका। हर मसले के अंदर बात, मुसलमानों में बात, मुसलमानों में झगड़े लगाना, अरे हम 11 एक होना गलत है क्या? हम कांग्रेस पार्टी के अंदर 11 मुसलमान एक जगह पर बनना, हमारे टिकट कट। तो मुसलमान एक हुए कैसा? पहली बात, अगर तुम एक नए हुए, एक ले आए थे ना, उसका विचार करते थे। ये सोचने की बात है, मैं बोल रहा इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि इस पार्टी के इत्यादि मुस्लिम जो अभी अभी एमआईएम जो है ना, यहाँ सब एक होना, सबकी जान होना, ऐसी पार्टी है। और फारूक भाई हमेशा सबको एक करने की कोशिश किया, वो चाहे कोई भी हो, वो छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, फारूक भाई हमेशा। हालांकि मैंने फारूक भाई को पिछले बारी काम नहीं किया, लेकिन फारूक भाई कभी नाराज नहीं हुए, हर बार मेरे करीब लेकर बैठते गए। और अंदर की बात एक फारूक भाई मैं बताता हूँ, मैं इसलिए फारूक भाई से दिल खुल के बताता हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है इस बात को, अल्लाह बेहतर जानता है कि फारूक भाई ने एक बात मेरे बताया। उस दिन मैं फारूक भाई पे फिदा हो गया। शौकत भाई बोले, जिस दिन फिरदौस फारूक को अगर टिकट मिलेंगी, मैं खामोश बैठने के लिए तैयार रहा। इतनी बड़ी बात कौन करते हैं, मेरे लिए बोलो देखेंगे तुम, कौन के लिए कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार रहा कि फारूक भाई की जबान पर मैं आया। अल्लाह का मेरे को दिया बहुत कुछ है, मैंने कोई मांगा नहीं, फारूक कोई बात को कोई बात रखा नहीं, मैं सोचा, मैं सोचते रहा। आज फारूक भाई मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की बात की, और मैं घर में खामोश बैठूँ, और मैं खामोश बैठ के काम करूँ, जिस इंसान ने मेरे लिए इतनी बात बड़ी की, मैंने कुछ वादा नहीं किया, सीधा मैं भाई स्टेज पे वैसा आया। फारूक भाई को भी नहीं मालूम था मैं आने वाला था, तो फारूक भाई के बात पर मैंने वहाँ के मैंने अपने एमआईएम पार्टी ज्वाइन की। और अल्लाह का सबको मैं गुजारिश करता हूँ, मैं ज़्यादा क्या बोलता नहीं, मैं बहुत बड़ा पुढ़ारी नहीं हूँ, खाली बस 23 तारीख को जो है ना सुरखुरमा और गुलगुले बनना जरूरी है। अपने को 23 तारीख को सुरखुरमा गुलगुले बनना जरूरी है, और 20 तारीख को हर एक अपने मोहल्ले की, अपने घर की जवाबदारी लेकर अपने, तुम बाहर फिरुज मत, बाहर धिंगाना मत डालो, बाहर नारे मत दो, बाहर आकर आवाज मत करो, साइलेंट से काम करो, अपना घर, अपना खानदान पूरा लेकर मतदान करो। अपना घर का मतदान होने के बाद हमारे जमात का सदर जो रहेगा कि हमारे 50 मतदान पूरे हुए, ये लाकर लिस्ट देगा। अपन घर में बैठने का नहीं है, अपना अपना खानदान, अपन जिसके घर में बेटी थी वो बेटी का मतदान, अपने किस जिस घर के बहू करके ले उसका मतदान, हमारा मतदान, अकेला अपने घर की जवाबदारी लो, ये सब भी बड़ी चीज रहेंगे इंशाल्लाह। मैं इतना बोल के मैं अपना रुकता हूँ, और सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ।